वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महेंद्र सिंह जी पत्रकार अपनी एक लिख दे विच अजिहा बयान करते ने, जो भी पढ़ता जा सुनता है एक बार तो हैरानी दे समुद्र दे विच डुब जाता है। वीडियो दे नाल बने रहो, जिमें महेंद्र सिंह जी ने बयान किया हूबहू तुहाडे नाल उस तरह अज की इस वीडियो दे विच बयान करांगे। महेंद्र सिंह जी पत्रकार अपनी लिखत दे विच बयानदे ने कि लाला जगत नारायण दे कतल कांड दे विच संत पिंडरांवालिया दा नां भी सरकार दे वलों शामिल कीते जाण समें यह आम चर्चा सी कि संतां ने अपने पिंड रोडे दे विच एक आलीशान कोठी बना ली है, जिथे कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद दे विच गुरद्वारा साहिब भी है अते उसकी सेवा संत कृपाल सिंह कर रहे ने। संत पिंडरांवालिया दी लाला कतलकांड विच होई गिरफ्तारी दे उपरंत उन्हां दी चढ़दी कला लई पिंड रोडे दे विच उसे गुरद्वारा साहिब दे विच 101 अखंड पाठां दी लड़ी आरंभ कर दित्ती गई सी। इस समागम समय जाण तों पहलां संतां ने मैनू भी कहा कि भोग समय तू भी पिंड रोडे आउणा है। मैं भोग तों एक दिन पहलां ही उत्थे पहुँच गया। शाम वेले मैं भाई अमरीक सिंह अते भाई रिशपाल सिंह होरां दे नाल बैठा होया सी कि संत पंडाल दा चक्कर लाउंदे होए उत्थे आ गए। मैनू कहण लगे आ तैनूं संत कृपाल सिंह होरां वलों समागम लई कीते प्रबंध विखावां। मैं उठ के संतां दे नाल तुर पिया। जदों लंगर अगे पुजे तां उत्थे उन्हां दी सिंघणी बीबी प्रीतम कौर अते दोवें बच्चे भाई ईश्वर सिंह अते इंद्रजीत सिंह खड़े सन। संत गुस्से दे नाल अपनी पत्नी नूं कहण लगे तू जथेदार नहीं बनी फिरदी है, जा के लंगर दे विच सेवा कर। ओ उसे वेले सात वचन कह के लंगर वाल चली गई। तो मैं संतां नूं कहा बाबा जी इन्हां बच्चों वाल भी थोड़ा जिहा कोई ध्यान दिओ, जो सर्दी दे विच पैरी कैंची चप्पलां पा के खदर दियां गिल्टियां बन्नी फिरदे हन। संत कहण लगे मेरा इन्हां दे नाल कोई संबंध नहीं, ये देखना कौम दा काम है। मैं कहा बाबा जी तुसी हर उस कमरे दे विच जाके आए हो जिथे तुहाडे जथे दे सिंह ठहरे होए ने, अते तुसी हर एक तो ये पुछया है कि होर किसे चीज़ की लोड़ तो नहीं। उन्हां सारयां ने मैं गर्म चोले पाए हुए हैं, इन्हां दोहां बच्चों नूं भी समझ लवो कि ये जथे दे नाल ही ने। पर संतां ने मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दिता। वापसी ते अपने आसन वाले कमरे दे विच पहुँच के मैनूं कहण लगे मैं तो कल समागम दे विच रुझिया होना है, तू वापस जाण तों पहलां मेरी कोठी वेख के जावीं। अगली सवेर मैं भाई रिशपाल सिंह नूं कहा कि कोई सिंह भेजो जो मैनूं संतां दे घर छड आवे, क्योंकि वह 2 किलोमीटर दूर खेतां दे विच सी। संतां दे 5 भरा ते माता पिता उत्थे ही रहिंदे सन। पर रिशपाल सिंह ने एक सिंह नूं कहा कि भाई महेंद्र सिंह नूं स्कूटर ते बिठा के संतां दे डेरे छड आ। जदों मैनूं उस डेरे दे विच लै के गया तां घरां दे समूह दी पूरबी वाली वाही संतां दा घर सी। एक वड्डे सारे किक्कर दे दरख्त हेठां संतां दी माता बैठी हुई सी। पास ही नलका सी जिस दी फर्श भी नहीं सी, उस तरह ही इटां रखियां हुई सन। इर्द गिर्द चिक्कड़ सी। सामने 2 कमरे सन, एक कच्चा जिस दी अद्धी छत डिगी हुई सी अते दूजे कमरे दी सामणी कंध पक्कियां इटां ला के टकी हुई सी, जिस दे विच घर दा साजो समान पिया होया सी। मैं माता दे गोडी हथ ला के नेड़े पे मंजे ते बैठ गया। अजे 15-20 मिंट ही होए सन कि संतां दा गड़बई भाई गुरमुख सिंह ते कुछ होर सिंह भी सरोपाओ दियां पंडां लै के पहुँच के अते कहण लगे कि समागम दे विच शामिल होण लई आए सारे संत महात्मा इधर आ रहे हन। अजे मंजे वगैरह इकट्ठे करके उन्हां दे जल पाणी दा प्रबंध ही कीता जा रहा सी कि संत पिंडरांवाले आप ही पहुँच के ते माता नूं कहण लगे कि घर आ रहे महापुरशां नूं सरोपाओ देने हन। 5-5 दे नोटां दियां कुछ गठियां माता अगे सुट दित्तियां अते कहा कि सरोपाओ नाल 5-5 रुपए देने ने। हुण कुछ मिंटां दे बाद सारे संतां दी मंडली सारे संत महापुरश भी पहुँच गए। संतां दी गिणती ज़्यादा होण कारण लियांदे गए सरोपाओ खत्म हो गए। ता संत पिंडरांवाले कमरे दे अंदर पई छोटी जिही लोहे दी पेटी विचों सारियां फुलकारियां खेस अते रेजे कढ लियाए। माता ने वह भी बन दिते। संत मंडली जल पानी छकन तो पिछों वापस चली गई। मैं हैरान सा कि संतां दा इहो जिहा घर भी हो सकता है जिथे उन्हां दा परिवार रहिंदा है। पर साका नीला तारा उपरंत होर भी दुखांत वापर गया जदों संतां दे पिता बाबा जोगिंदर सिंह ने ही संतां दी पत्नी अते बच्चियां नूं अपने उस घरों भी कढ के बिलासपुर भेज दिता, जो अपने हिस्से की 7-8 एकड़ जमीन पर निर्वाह कर रहे सन। संतां दे घर दे नाल ही उन्हां दे भरावां दे घरां दा समूह सी, पर संतां दे घर दी देख बखरी ही सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।